हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रिज का पियर और पियर कैंप की कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसके पहले भी मैंने दो वीडियो अपलोड किए थे कि स्लोप कॉलम फुटिंग का कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और रिटेनिंग वॉल की कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। और ये मेरा तीसरा वीडियो होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रिज होता है उसकी पियर और पियर कैंप की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। राइट, जो भी फ्रेशर इंजीनियर होते हैं, राइट, वो जो न्यूली साइट पे जाते हैं तो उनको बहुत डिफिकल्टी पड़ती है कि कंक्रीट कितना मंगाया जाए। राइट, कंक्रीट की क्वांटिटी एग्जैक्टली कितनी हमें ऑर्डर करनी चाहिए या फिर कितना मटेरियल या कंक्रीट हमने बनाना चाहिए कि हमारा जो स्पेसिफाइड शेप है कंक्रीट का वो फिलअप हो जाए। राइट, तो मैं आपको वही गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम कंक्रीट की क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की जो मेरी क्वांटिटी होगी वो ब्रिज पियर की करना पियर। राइट, ये जो होता है इसे हम क्या करते हैं, पियर बोलते हैं। राइट, नॉर्मली आपको पता होगा कि जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन वो फाउंडेशन पाइल से स्टार्ट होता है, पाइल से पाइल कैप से पियर और पियर कैप से पियर से पियर कैप। तो ये जो है मेरा पियर कैप है। राइट, दिस इज माई पियर कैप। इसके ऊपर बेरिंग आती है, फिर गर्डर आता है, फिर रोड सेक्शन हो जाता है। वो मैं आपको जब मैंने ब्रिज का जो प्लान एक्सप्लेन किया था उसमें आपको बताया था। ओके, तो ये मेरा पियर है, ये मेरी पियर कैप है। अब मुझे इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है। ऐसा नहीं कि जब कंक्रीट हमें मंगाना हो, ऑर्डर करना हो, तभी हमें कंक्रीट इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। हम जब भी जो बिल बनाते हैं, राइट, अगर हमने ये कास्ट कर लिया तो हमें बिल बनाना हो तो इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आइटम रेट करना पड़ेगा, तभी वो बिल बनेगा। राइट, तो हमें ये समझना पड़ेगा इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं जो काम करूंगा, मैं ये जो इम्पोर्टेंट पाइल कैप है, राइट, उसकी क्वांटिटी निकालूंगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो वीथ है पियर की वो 7 मीटर है, लेंथ 7 मीटर है और इसकी थिकनेस 1.2 मीटर है, इसकी हाइट 10 मीटर है, इसका जो ऑफसेट है आउटवर्ड ऑफसेट वो 0.5 मीटर का है। राइट, दिस इज 0.5। ये जो बाहर जो निकला स्लोपेड पोर्शन है 2.5 का है, इसकी विड्थ 3 मीटर है, इसकी हाइट जो है, राइट, इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर आपको दी गई है। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी आती है। सबसे पहले मैं पाइल कैप की क्वांटिटी दिखाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूं, क्वांटिटी ऑफ पाइल कैप, और हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन पाइल पियर कैप, सॉरी ये हम पियर कैप कर रहे हैं, पियर, ये हमारा पियर कैप है, पियर कैप। ओके, तो आप देख, पहले तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, जो ये स्लोप ट्रायंगल पोर्शन है उसको हम अलर्ट कर देंगे। अलग कर देंगे मतलब क्या, इसको हम जहां से हमारा स्लोप स्टार्ट हो रहा है वहां से हम उसको अलग कर देंगे। ओके, तो यहां से मैं उसको क्या करता हूँ, अलग कर देता हूँ। ओके, ये जो पूरा कट सेक्शन है मैं इसको कट कर देता हूँ यहां से, ये मेरा पूरा अलग हो गया। इधर भी मैं वैसे ही करूंगा, इसको मैं कट कर दूंगा यहां से, राइट, यहां से ऐसे, ये पूरा सेक्शन, ये जो दो सेक्शन है वो सेम रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। देखिए, तो आपको पता है कि ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल का एरिया ये क्या है, ये ट्रायंगल है, राइट, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हमें पता है 1/2 बेस, इसमें बेस क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। हाइट कितनी है इसकी, यहाँ पे 1 मीटर, तो ये 1 मीटर हमारी हाइट हो जाएगी। राइट, ये बेस होगा, ये उसकी हाइट होगी, तो बेस कितना है 2.5, ये दिया गया है, और हाइट कितनी है, तो 1 मीटर की हाइट है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25 मीटर स्क्वेयर, ये हमारा एरिया आ गया। तो हमें पता है एरिया है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ और विड्थ। ओके,
आपने जो भी एरिया निकाला हो, तो एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो एरिया 1.25 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है इसकी विथ, ये जो है इसकी 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3.75 मीटर क्यूब। ये तो वो क्वांटिटी आई एक नंबर की, तो ये दो नंबर है, तो दो तो फोर टू सेक्शन राइट, तो फोर टू सेक्शन राइट, तो हमें दो से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 3.75 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा करीबन 7.5 मीटर क्यूब। ये जो क्वांटिटी आई, ये दो जो साइड के ट्रायंगुलर पोर्शन है उसकी अब सेंट्रल पोर्शन हमारा बाकी है, तो सेंट्रल रेक्टेंगुलर पोर्शन राइट, सेंट्रल रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए हमको पता है कि रेक्टेंगुलर है, तो हम क्या करेंगे लेंथ विथ, लेंथ विथ एंड हाइट। देखिए विथ जो है इसकी, इसकी भी कितनी होगी, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर ही होगा, तो ये डिस्टेंस 3 मीटर है, हाइट इसकी 1 मीटर है, और लेंथ देखिए ये 7 मीटर है और ये 0.5 का ऑफसेट है दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा 6, तो टोटल हो जाएगा 7 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये इसकी लेंथ हो गई ओके, मल्टीप्लाइड बाय विथ कितनी है इसकी 3 मीटर इसकी विथ है, और हाइट कितनी है इसकी, जो हाइट है वो 1 मीटर है ओके, ये इसकी हाइट है, तो मल्टीप्लाइड करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 24 मीटर क्यूब। तो टोटल क्वांटिटी होगी, तो टोटल पियर कैप क्वांटिटी विल बी 7.5 प्लस 24 मीटर क्यूब, तो हो जाएगा 31.5 मीटर क्यूब। ये जो क्वांटिटी आई हमारी किसकी आई, हमारी ये जो पाइल कैप है उसकी क्वांटिटी हमने निकाली, वो आई है 31.5 मीटर क्यूब। ये जो क्वांटिटी हमारे आई है ये हमने निकाली है इसकी, ये जो पाइल कैप है उसकी क्वांटिटी निकाली, अब हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे, तो क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इन पियर, ये पियर कैप था ये पियर है, तो पियर की क्वांटिटी कितनी आएगी डायरेक्टली हम फाइंड करेंगे, तो इसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर है, इसकी विड्थ कितनी है 1.2 मीटर, और हाइट इसकी कितनी है 10 मीटर, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 84 मीटर क्यूब राइट। तो ये आई हमारी पियर कैप की क्वांटिटी, ये आई हमारी पियर की कॉन्क्रीट की क्वांटिटी। दोस्तों इसी तरह से आप कोई भी सेक्शन की क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ विड्थ और हाइट क्या है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो जरूर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सीबी कॉन्सेप्ट।